हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक, तो प्रश्न नंबर एक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दो, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो ऑप्शन नंबर सी, बाउंड सी एच। क्वेश्चन नंबर पाँच, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो पाँच का ऑप्शन नंबर ए, धारा को मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर छः, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर सात, दर्पण का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए, 1/V + 1/U = 1/F। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आठ, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो आठ का ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नौ, पौधे जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दस, मेडम ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, मटर पौधे का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो ग्यारह का ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर बारह, ओजोन परत पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तेरह, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो तेरह का ऑप्शन नंबर ए, रंध द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर चौदह, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चौदह का ऑप्शन नंबर डी, आदमी का होता है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो पंद्रह का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सोलह, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो सोलह का ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर सत्रह, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सत्रह का ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर अठारह, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो अठारह का ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। क्वेश्चन नंबर उन्नीस, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो उन्नीस का ऑप्शन नंबर डी, आयरन। क्वेश्चन नंबर बीस, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, सात।